ऐसा अन्याय ना करो, किसी के घर पर कोई नहीं आए। ये है घर पर आने से लोगों को रोक रहा है, ये है लोकतंत्र भाई। खाना खा ले घर जाके, आपको वो भी ना खाए कह दो। अरे नहीं भाई, कमिश्नर साहब ने मना कर दिया होगा। देखो हमारे साथ तो जितनी ज्यादती हो सकती थी होली, भैंस चोर है, बकरी चोर है, और जो रह गई है वो भी कर लो, लेकिन चलो हम नहीं कर पाए, लेकिन ऊपर वाला है, आज नहीं कल इंसाफ जरूर करेगा। भाई रामपुर में तो हम कह ही रहे हैं कि जो मौजूदा अधिकारी हैं इस मंडल में, उनके रहते निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। सिर्फ हमारे लिए पुलिस, रामपुर वालों की हड्डियां तोड़ने के लिए, उन्हें भैंस चोरी और बकरी चोरी में बंद करने के लिए पुलिस है। यार इतना अन्याय ना करो, ऐसा अन्याय ना करो, किसी के घर पर कोई नहीं आए। आप देख रहे हैं यह है लोकतंत्र, घर पर लोग नहीं आ सकते, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के बाद ये हाल है रामपुर में। अगली 10 मार्च के बाद सब हो जाएगा अब्दुल्ला भाई। ये है घर पर आने से लोगों को रोक रहे हैं, ये है लोकतंत्र। 10 मार्च को आ रहा है अखिलेश जी, आचार संहिता के नाम पर और कोविड प्रोटोकॉल के नाम पर ऐसे शोषण कर रहे हैं, ये घर तक पर लोग नहीं आ सकते। चलो भाई भाई खाना खा ले घर जाके, आपको वो भी ना खाए कह दो। अरे नहीं भाई, कमिश्नर साहब ने मना कर दिया होगा। सारी गाड़ी देखो हमारे साथ तो जितनी ज्यादती हो सकती थी होली, भैंस चोर है, बकरी चोर है, जो ज्यादती और जो रह गई है वो भी कर लो, लेकिन चलो हम नहीं कर पाए, लेकिन ऊपर वाला है, आज नहीं कल इंसाफ जरूर करेगा। भाई मैं तो जेल से निकला था और मैंने सबसे यही कहा कि अगर कोई मुझे मेरी मोहब्बत में लेने आता है तो मैं उसे मोहब्बत करने से तो नहीं रोक सकता। तो मेरी खुशनसीब है कि मुझे प्यार करने वाले वहाँ तक आए, ना तो कोई काफिला था, ना कोई कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ, गाड़ी में 4 आदमी मास्क लगाए हुए। लेकिन अगर भाई रामपुर में तो हम कह ही रहे हैं कि जो मौजूदा अधिकारी हैं इस मंडल में, उनके रहते निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। आप तो खड़े हो ना, ये तो घर है मेरा, अब घर जाने से भी अगर गाड़ी रोक दी जाएगी, ये सब प्रोटोकॉल विपक्ष के लिए, ये कहाँ का इंसाफ है। ये गाड़ियों में से उतार उतार कर चेक किया गया है ना इसके। अरे भाई कुछ भी कर सकते हैं, पुलिस वाले हैं, क्या कर सकता है, कौन क्या नहीं कर। कितने बेगुनाहों को मार दिया ऐसे ही, कितने बेगुनाह लोगों को मुकदमों में जेल भेज दिया, यूपी के थानों में क्या नहीं हो रहा, किससे छुपा हुआ है, कितनी कस्टोडियल डेथ हो गई। गोरखपुर के एक व्यापारी को कैसे मार दिया, लखनऊ में एक इंजीनियर को कैसे मार दिया। भाई मैं सिर्फ इसलिए रुका हुआ था और मैं आज भी आपके सामने कहता हूं कि जितना जुल्म हो सकता था और जितनी तकलीफ दी जा सकती थी मुझे और मेरे परिवार को, मेरी माँ को, मेरे वालिद को, वो दी गई है। और आज भी मेरे वालिद को वहाँ पर जान का खतरा है, और अगर कुछ भी ऊंच नीच हुई तो उसकी जिम्मेदार सरकार और जेल प्रशासन होगा। बताओ ऐसे कैसे निष्पक्ष चुनाव होगा, इन अधिकारियों का रहते निष्पक्ष चुनाव होगा। सिर्फ हमारे लिए पुलिस, रामपुर वालों की हड्डियां तोड़ने के लिए, उन्हें भैंस चोरी और बकरी चोरी में बंद करने के लिए पुलिस है, और पुलिस के इंस्पेक्टर गैंगरेप में पकड़े जाते हैं। भाई चुनाव मेरे कहने से नहीं है, ये चुनाव आवाम बनाम सरकार होगा। लोग इतना परेशान हैं, उनके साथ इतना अन्याय हुआ है, इस कदर बेरोजगारी है, इस कदर महंगाई है, इस कदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है, ये चुनाव, ये किसी के कहने का चुनाव ही नहीं है। कहावत है ना कि डूबती हुई नाव में से सब भागते हैं, जो हो रहा है उसी का नतीजा है। बीजेपी छोड़ छोड़ के लोग जा रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि उनके साथ जो सलूक बीजेपी ने किया है वो दुनिया जानती है। भाई 2-2.5 साल तो मैं भी हाउस गया था। इस महीने जो आपके गुजरे तो ये किस तरीके से मतलब बयान करना चाहेंगे आप कुछ। अच्छा जो हमारे साथ हुआ उसके बाद आपको क्या लगता है कैसे करते हैं। 8x10 की कोठरी जिसमें 2 फिट का टायर और बस 8x8 की तन्हाई बैरिक में रहते थे, और आज भी मेरे वालिद वहाँ बेगुनाह बने।
आजम भाई की जान को खतरे में, अब्दुल्ला भाई सात लोग एंटीसिपेटरी बेल पर बाहर है और एक अकेला आजम फंसा है। अब्दुल्ला भाई आजम भाई की जान को खतरा है? बिल्कुल है भाई, सरकार ने 9 दिन इलाज में देरी नहीं कराई, क्या कह सकते हैं।